उसके बाद करीब एक साल तक जरूर लगातार उनका आना जाना सवाई माधोपुर रहा था, लेकिन पिछले 2-3 साल से वो ज्यादा सवाई माधोपुर में नजर नहीं आई, वो जयपुर ही रही है। क्योंकि उनकी जो सोच है वो सोचती है कि जयपुर से अगर इस बार लड़ूंगी तो वो और आगे की बात को लेकर चलती है, यानी कि एक स्टेप और ऊपर। उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया उसका भी उन्हें अफसोस रहा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि शायद उनको मंत्री बनाया जाएगा। तो उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल था या जो काम करने का जो उनका जज्बा था वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहा है। अगर हम जी अनूप अगर हम बात करें गंगापुर सिटी की, तो गंगापुर सिटी में भी आज वही एक गांव सा माहौल दिखता है। वहां पर बिजली, शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा के लिए आज भी गंगापुर सिटी के लोगों को शहर आना पड़ता है पढ़ने के लिए। गंगापुर सिटी में वो सुविधाएं नहीं है जो उनको वास्तव में मिलनी चाहिए थी। अगर हम बात करें चिकित्सा की, तो चिकित्सा की भी वहां पर डॉक्टर नहीं है, वहां पर सुविधाएं जो है वो नहीं है, मशीनरी नहीं है चिकित्सा को लेकर। तो वो सारे लोग गंगापुर सिटी के आज भी जयपुर आते हैं और यहां आकर अपना इलाज करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं विकास दर है जो धीमी है, और हो सकता है कि ये जो 4 सीटें उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, बीजेपी के पास चारों की चारों सीटें हैं। नरेंद्र जी के पास चलते हैं, रहिए आप हमारे साथ। नरेंद्र जी एक बात हमें समझाइए, आपकी 5 साल यहां पर कम पड़ गए, ठीक है काम हुआ, लेकिन उसमें गड़बड़ियां पाई गई, जो मटेरियल लगा वो खराब निकला, तो ये भी तो सरकार का ही, जो वहां पर स्थानीय विधायक है उनका फेलियर माना जाएगा ना। जी मैं आपको बताऊं कि वहां पर विकास के कार्य शून्य के बराबर हुए। आप ताज्जुब करेंगे कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो खुद ही इतने असंतुष्ट हैं कि वो अपना कोई भी काम नहीं करा पाए, और जो वहां के विधायक हैं वो भी अपने आप को इस काबिल नहीं मान रहे कि हम कोई काम करा सकते, हमने किसी का कोई काम करवाया, क्योंकि इनकी विधायकों की ऊपर तक नहीं सुनी गई, विधायकों के कई काम रह गए कि यहां सरकार ने सुने ही नहीं। सवाई माधोपुर की बात नहीं, कसर पूरे राजस्थान के अंदर यही हाल है कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए और कार्यकर्ताओं को छूट गए, विधायक अपने काम खुद के नहीं करवा पाए, इससे भी नाराज है। अच्छा, जब विधायक अपने काम नहीं करवा पाए तो विकास के कार्य, विकास की तरफ विधायकों का ध्यान ही नहीं गया, वो जयपुर के चक्कर लगाते रहे, अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत कम रहे, और रहे तो जनता के सामने ज्यादा आए नहीं, क्योंकि जनता के सामने किस मुंह से वो आए, जनता का कोई काम करवाया, कोई विकास के काम करवाया। आप देखिए इस जिले के अंदर डॉक्टरों के लिए कई बार आंदोलन हुए, डॉक्टर जाना ही नहीं चाहते, कोई किसी को लगाते हैं तो सर्विस छोड़ देते हैं, और सड़कों की हालत बहुत, अभी दीपक जी ने बताई इतनी खराब हालत है, जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर वहां की भी स्थिति इतनी खराब है, तो और विधानसभा क्षेत्रों की तो कितनी बुरी होगी कि आप कल्पना कर सकते। बिल्कुल नरेंद्र जी, यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर बनता है कि यहाँ पर गंगापुर की बात करें तो गांव जैसा माहौल है, सवाई माधोपुर की बात करें तो वहां पर सड़क, शिक्षा, चिकित्सा बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ दिया कुमारी की बात करें या फिर मानसिंह गुर्जर की बात करें, 5 साल आपको दे दिए जनता ने, आपको और कितना समय चाहिए? क्या आपको लगा क्या कि ये आखिर क्यों नहीं हो पाया? क्या यहाँ पर ये विधायकी असंतुष्ट दिखाई दिए या फिर एक इच्छा शक्ति थी नहीं कि यहाँ पर काम किया जाए? देखिए सही बात, आप सही कहा आपने, विधायक, विधायकों के कोई काम नहीं हो रहे थे, विधायक इतने निराश हो गए थे कि वो जयपुर आकर के शाम को वापस चले जाते, निराश होकर जाते, कोई उनका काम नहीं होता था, इसलिए विधायक अपने क्षेत्र में विकास के काम करवा ही नहीं पाए। और अभी दीपक जी ने कहा बजट भी गया, बजट भी खूब हुआ है, लेकिन धरातल तक बजट नहीं पहुंचा। और सबसे बड़ी बात रही कि विधायकों की खामोशी, विधायकों की मतलब वो एक्टिव नहीं रह पाए विधायक अपने क्षेत्र के अंदर, चारों विधानसभा क्षेत्र के अंदर। अभी राजकुमारी दिया, मैं आपको बता दूं, राजकुमारी दिया जो सवाई माधोपुर से विधायक है, आपको पता होगा अभी 2 साल पहले इनकी जयपुर के अंदर इनकी होटल को तोड़ा गया था, और ये अपनी होटल को नहीं बचा पाई थी, राज्य सरकार ने, जेडीए ने इनकी होटल को आगे तोड़ा था, और ये पूरे टीवी में दिखाया गया था सभी चैनलों के ऊपर कि किस तरह से वो अधिकारी से बहस कर रही थी, अधिकारी ने उसकी बात सुनने को बिल्कुल मना कर दिया। तो जब विधायक अपना काम नहीं करवा पा रही है, खुद अपना काम नहीं, बिल्कुल सूरत हाल समझा जा सकता है वहां का क्या होगा। अभय कुमार जी के पास चलते हैं। अभय कुमार जी, ये जो बहस हो रही है उससे एक चीज तो निकल कर आ रही है कि विकास का काम जो है वो बिल्कुल शून्य है, जीरो है, इस बार आपको क्या तस्वीर दिखाई देती है, क्या आंकड़े आपके सामने निकल कर आते हैं? जी देखिए, अगर हम इन लोगों की बात को ही अगर हम फॉलो करें
तो एक चीज देखते हैं कि जहां पर हर 5 साल में विधायक बदल दिए जाते हो और हर 5 साल में सरकार बदल दिए जाते हो, अगर वहां की ओवरऑल हम बात करें तो विधायक लोग भी या सरकार भी देखती है कि अगली बार तो फिर मुझे चुन के आने की संभावना नहीं है, तो फिर इसलिए ऐसे भी सरकार का थोड़ा सा हल्कापन आ जाता है कि भैया हम अगर कुछ भी करें मतलब फिर हमारी जीतने की संभावना कम है या ये है। तो ऐसे में बात अभय जी, अभय जी इस तरह तो विकास हो ही नहीं पाएगा ना, फिर इस तरह तो काम हो ही नहीं पाएगा पूरी जिंदगी, ऐसे ही चलता रहेगा जो चलता आ रहा है। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, इससे आगे मैं बता रहा हूँ, मेरी यह एक परसेप्शन है, मैं एक ऐसी बात बता रहा हूँ, जैसे कि अब मध्य प्रदेश में 15 साल से सरकार चल रही है, छत्तीसगढ़ में 15 साल से सरकार चल रही है, यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया ना, मैंने अपनी बात की शुरुआत की कि जैसे कि हमारे मित्र लोग जयपुर से बता रहे हैं कि लगभग विकास कार्य शुरू हुआ है, तो विकास कार्य क्यों शुरू हुआ है, इस पर मेरी यही है, मेरी राय है कि जब कभी भी विधायक को पता रहता है कि भैया हम कितना काम करें या सरकार को, मुख्यमंत्री को या लोकल विधायक को, कि हम अच्छा से अच्छा भी काम करके दे दे, लेकिन मेरे जीत के आने की संभावना कम है, शून्य तो मैं नहीं कहूंगा, कम है, तो वहां पर ऐसे भी लोग की थोड़ा सा डेडिकेशन हो जाता है, कम पड़ जाता है। मैं अपनी राय बताया हूँ, जैसे इन लोगों की बात के आगे में, मतलब इन लोगों ने जैसे बताया उसमें अपनी राय दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊं कि यह जो जिला है और जो सवाई माधोपुर सीट है, उस एक आदमी के चर्चा के बगैर अधूरा है, वो व्यक्ति किरोड़ी लाल मीणा जी। तो किरोड़ी लाल मीणा जी पिछला इलेक्शन एक अलग पार्टी बनाकर लड़े थे, इस बार वो अपनी पार्टी बनाकर के आए, वो राइट नाउ ही बीजेपी, अभी वो बीजेपी में, तो उसका भी क्या असर पड़ेगा ये लोग बताएंगे, मतलब मैं अपनी भी एक राय रखूंगा, लेकिन ये लोग भी बताएंगे कि अभी जो माहौल बदली है तो एक तरफ विकास का ठीक है। अभय जी रहिए आप हमारे साथ, 2 सीटों की और बात कर लेते हैं, उनके आंकड़े देख लेते हैं क्या कुछ कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। सवाई माधोपुर जिले की बामनवास विधानसभा से मौजूदा विधायक है बीजेपी के कुंजीलाल मीणा, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद रोचक हो सकता है क्योंकि मौजूदा विधायक के कामकाज से स्थानीय लोग खुश नहीं है। दोनों अहम पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी में गुटबाजी जोरों पर है। इस बार बीजेपी की ओर से कुंजीलाल मीणा के बेटे और रामस्वरूप मीणा टिकट की दौड़ में हैं, वहीं कांग्रेस से नवल किशोर मीणा और इंदिरा मीणा टिकट के दावेदार हैं। 2008 की बात कर लेते हैं, बामनवास विधानसभा से कांग्रेस के नवल किशोर मीणा जीते और इन्हें मिले 45,204 वोट और वोट परसेंटेज रहा 38.76। वहीं LSWP के संपत लाल हारे थे, जिन्हें 26,652 वोट मिले, इनका वोट परसेंटेज रहा 25.71। साल 2013 की बात करें तो यहां से बीजेपी की कुंजीलाल मीणा जीते और उन्हें मिले 45,085 वोट और वोट प्रतिशत रहा 36.44 का। इन्होंने कांग्रेस नवल किशोर मीणा को हराया, जिन्हें मिले 39,423 वोट और इनका वोट परसेंटेज रहा 71.86। लोकसभा 2014 की बात करें तो यहां बीजेपी को जीत मिली और उसे मिले 51,657 वोट और उसका वोट परसेंटेज रहा 46.80। वहीं कांग्रेस को मिले 50,055 वोट और वोट प्रतिशत रहा 45.35 का। सवाई माधोपुर की खंडार से मौजूदा विधायक हैं जितेंद्र गोटवाल। इस बार यहां अहम मुद्दा बेरोजगारी को लेकर है, ये इलाका कई मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। इस बार बीजेपी की ओर से जितेंद्र गोटवाल और मनोज बेरवा टिकट की दौड़ में हैं, वहीं कांग्रेस से किशोर बेरवा और शिवचरण बेरवा टिकट के प्रबल दावेदार समझे जा रहे हैं। 2008 की बात करते हैं, खांडार विधानसभा से कांग्रेस अशोक बैरवा जीते और इन्हें मिले 44,044 वोट, वोट परसेंटेज रहा 43.63 का और वहीं बीजेपी की हरि नारायण हारे और जिन्हें मिले 33,803 वोट, इनका वोट परसेंटेज रहा 33.19। साल 2013 की बात करें तो यहां से बीजेपी की जितेंद्र गोटवाल जीते, जिन्हें मिले 58,609 वोट और वोट प्रतिशत रहा 41.21 का। इन्होंने कांग्रेस के अशोक बैरवा को हराया, जिन्हें मिले 39,267 वोट और इनका वोट परसेंटेज रहा 27.61। लोकसभा 2014 की बात करें तो यहां बीजेपी को जीत मिली और उसे मिले 59,734 वोट और उनका वोट परसेंट रहा 50.29 का। कांग्रेस को मिले 46,611 वोट और वोट प्रतिशत रहा 39.24 का। और बामनवास की बात करें तो दीपक जी, यहां पर सबसे बड़ी बात निकलकर एक सामने आ रही है, गुटबाजी। अगर पार्टी में ही इतना असंतोष है तो आगे की तस्वीर समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बिल्कुल अनूप जी, आपको बामनवास के बारे में एक और दिलचस्प जानकारी देना चाहूंगा
कि बामनवास पूरे देश का एकमात्र वो जगह है, बामनवास विधानसभा सीट है, जहां से पूरे देश में करीब 150 के आसपास जो है प्रशासनिक अधिकारी दिए गए हैं। ये वो जगह है जहां पर चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, उन पार्टियों में भी मंत्री दर्जे के नेता भी दिए हैं इसी गांव में। बावजूद इसके यहां पर आज भी विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, वो आज भी विकास की बाह जो राह है वो ढूंढ रहा है। यहां पर चाहे हम आईपीएस अधिकारी की बात करें, चाहे हम आईएएस अधिकारी की बात करें, चाहे हम कस्टम के अधिकारियों की बात करें, इन सभी को वहां के लोगों ने अलग अलग विभागों में भेजा है। बावजूद इसके वहां पर आज भी जो है वो काम नहीं हो पाए। ये वो बामनवास सीट है जहां पर चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे केंद्रीय नेता हो, चाहे राज्य के नेता हो, चाहे केंद्र के दूसरे राज्य नेता हो, उन सभी को वहां पर बराबर मौका दिया गया है, कांग्रेस की सरकार में भी और बीजेपी की सरकार में भी। लेकिन अभी तक वहां पर विकास के काम नहीं हुए। वहां पर अभी भी शिक्षा को बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी जो बामनवास प्रॉपर जगह है वो आज भी पिछड़ा हुआ है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो वहां पर पूरी तरह से डॉक्टर नहीं है, वहां पे मशीनरी नहीं है, वहां पर लोगों की जो अचानक अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो आप उसे बचा भी नहीं सकते, ऐसी स्थिति भी नहीं है। बिल्कुल खंडार अगर की बात पानी करें की तो? बात करें तो आज भी वहां पर पानी जो पूरी तरह से खेतों के लिए काम में नहीं लिया जा सकता है, बिजली की जो अघोषित कटौती है वो लगातार चल रही है। तो इन सबको देखते हुए इस बार जो विधायक है उनसे भी, जो कुंजीलाल मीणा है उनसे भी जो लोग हैं वो खफा हैं। अब देखना यह है कि क्या इस बार एक बार फिर जिस तरह राजस्थान में सरकार बनती है उसी तरह की विधानसभा सीट रहेगी, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस रहेगी, ठीक है, आने वाले समय में ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल नरेंद्र जी के पास चलेंगे। नरेंद्र जी, यहाँ पर बामनवास से सबसे ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, लेकिन दीपक जी बता रहे हैं कि वहां पर अभी भी वहां पर हालात जस के तस बने हुए हैं, कारण क्या नजर आता है आपको? इसी के बारे में बताऊं कि बामनवास के अंदर बामनवास से काफी शीर्ष आईएएस आईपीएस काफी अधिकारी देश के विभिन्न विभागों में गए हैं और जा रहे हैं, बराबर जा रहे हैं जी। रीजन ये है कि वहां पर आपसी गुटबाजी के कारण ही विकास नहीं हो पा रहा है, आपसी गुटबाजी के कारण ही विकास नहीं हो पा रहा है, बाकी कोई दूसरी बड़ी बात नहीं कि इतने बड़े इस गांव से इतने प्रशासनिक अधिकारी इतने आईपीएस अधिकारी गए हैं और फिर विकास नहीं हो पा रहा है। ये सारा राजनीति में फंसा हुआ मुद्दा है और राजनीति गुटबाजी के चलते ये काम एक दूसरे की टांग पकड़ के खींची जा रही है। अगर कोई काम करवाता है टांग पकड़ के खींची जा रही है वहां पर और काम नहीं हो पाता है। हर कैसी भी सरकार आई हो, चाहे बीजेपी की आई हो चाहे कांग्रेस की आई हो, हर बार यही होता है कि बीजेपी की आती है तो बीजेपी के लोग ही टांग खींचते हैं कि ये काम नहीं करवा रहे, कांग्रेस की आती है तो कांग्रेस के लोग टांग खींचते हैं कि काम नहीं करवा रहे, क्योंकि वो कई लोग ये कहते हैं उनके सोच ये है कि जिसने काम करवा दिया तो ये चमक जाएगा, नेक्स्ट टाइम मैं दावा करूंगा या मुझे टिकट मिलता तो मैं करवाता। तो आपस में कांग्रेस कांग्रेस की टांग खींच रही है, बीजेपी बीजेपी की टांग खींच रही है और ये राजनीति का शिकार हो। बिल्कुल, इसमें एक दूसरे को हराने के लिए दोनों अलग अलग पार्टियों की जरूरत नहीं है, अपने घर के लोग ही काफी हैं। अभय जी, इस बार इन दोनों जगहों की सीटें को इन दोनों की जगहों पर अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े क्या कुछ कहते हैं जी? देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो देखते हैं जैसे कि अगर हम बात करें बामनवास की, तो यह सीट एक बार कांग्रेस अल्टरनेट होता रहा, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, जिसकी जैसी लहर रही है वैसा उसका परफॉर्मेंस आया है जी। अगर हम बात करें बामनवास की तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी फैक्टर भी काफ़ी कंट्रोल हो गया था, जैसे कि लोकसभा पोल में जब पूरे देश में जब नरेंद्र मोदी की एक लहर थी, हर जगह नरेंद्र मोदी मतलब विधानसभा वार जीते लोकसभा वार जीते चले गए, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इवन की 180 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीती थी लोकसभा पोल में, बढ़त बनाई थी। राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं तो 180 पर लगभग 180 पर उस बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, लेकिन यहाँ पर बामनवास की बात करें तो सिर्फ 1% वोट से बीजेपी आगे रही थी, 1% वोट, जो कि बहुत कम है, जो कि मतलब नरेंद्र मोदी फैक्टर भी यहाँ पर आकर के काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया था। और यह सीट है कि टाइम टू टाइम बदलता रहा है, जब जिसकी स्टेट में लहर आती है उसको उसका निकलता है, तो इसमें नो डाउट कि बीजेपी को एक्स्ट्रा इफोर्ट लगाना पड़ेगा इस सीट को अपने पास बरकरार रखने के लिए, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। अगर हम खंडवाड़ सीट की बात करें तो मोर और लेस इस सीट की भी वही पोजीशन है, इस सीट की पोजीशन यह है कि यह भी एक मतलब अल्टरनेट होता रहा है, जिसकी लहर आती है उसके अनुसार चलता है, तो इस पर भी बीजेपी को स्वाभाविक सी बात है कि पूरे स्टेट में बीजेपी को स्पेशल मैकेनिज्म और स्पेशल रणनीति की जरूरत है जी।
स्पेशल रणनीति इसलिए कि बीजेपी ऐसा है कि सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकमेंसी का माहौल रहता है। हम लोग 93 के बाद के जो चुनाव हुए हैं, 98 से जो चुनाव हो रहा है तब से हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें तो नो डाउट कि बीजेपी को पूरे मैकेनिज्म की जरूरत है पूरे स्टेट के लिए, लेकिन इन सीटों पर भी बीजेपी को स्पेशल मैकेनिज्म की जरूरत इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी फैक्टर भी यहाँ आकर के थोड़ा कम प्रभावी हुआ था। ठीक है, रहिए अभय जी आप हमारे साथ, सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर बात करेंगे सिरोही की, क्या कुछ है वहां का माहौल, क्या कुछ है वहां की तस्वीर, ब्रेक के बाद। ২০১৯ का सेमीफाइनल, राहुल करेंगे करिश्मा या मोदी का बजेगा झटका, तीन राज्य तय करेंगे 2019 का सिंहासन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, क्षेत्रीय मुद्दों पर घिरेंगे शिवराज, रमन और वसुंधरा, या मोदी के भरोसे लगेगी नैया पार, या कांग्रेस जोश और अनुभव से लगाएगी बेड़ा पार। देखिए समय न्यूज नेटवर्क पर दंगल 2018। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सिरोही जिले की सिरोही विधानसभा सीट से राज्य के गोपालन मंत्री ओटाराम देवासी विधायक हैं। यहाँ सर्वाधिक 49% ओबीसी वोट हैं, जिसके बाद करीब 22.24% अनुसूचित जाति वोट हैं। बदहाल शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, किसान और खेती की समस्या, नशे की गिरफ्त में युवा यहाँ के मुख्य चुनावी मुद्दे हैं। कांग्रेस की ओर से यहाँ संयम लोढ़ा, अनाराम बोरड़ा, चंदन सिंह, हरीश परिहार टिकट की दौड़ में हैं, जबकि बीजेपी की ओर से ओटाराम देवासी, तारा भंडारी, लुम्बाराम चौधरी टिकट की दौड़ में शामिल हैं। साल 2008 की बात करते हैं, सिरोही विधानसभा से बीजेपी के ओटाराम जीते और इन्हें मिले 56,400 वोट, वोट परसेंटेज रहा 47.72 का। वहीं कांग्रेस के संयम लोढ़ा हारे, जिन्हें मिले 47,830 वोट, इनका वोट परसेंटेज रहा 40.47 का। साल 2013 की बात करते हैं, यहां से बीजेपी की ओटाराम जीते, जिन्हें मिले 82,098 वोट और वोट प्रतिशत रहा 52.54 का। इन्होंने कांग्रेस से संयम लोढ़ा को हराया, जिन्हें मिले 57,659 वोट और इनका वोट परसेंटेज रहा 36.90 का। लोकसभा 2014 की बात कर लेते हैं, यहां बीजेपी को जीत मिली और उसे मिले 77,849 वोट और उसका वोट परसेंटेज रहा 59.23। वहीं कांग्रेस को मिले 32,962 वोट और वोट प्रतिशत रहा 25.12 का। और हमारे साथ सिरोही से कोमल यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोमल, आप एक बार हमें समझाएं संक्षेप में कि आखिर इस समय माहौल क्या है, तस्वीर क्या है? देखिए, चुनाव की जब सरगर्मियां आती हैं तो माहौल तो जो कैंडिडेट होते हैं, जो संभावित उम्मीदवार होते हैं, वो किसी न किसी तरह से मतदाता को लुभाने के लिए अपना अपना प्रयास करते ही रहते हैं। लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि यहाँ पे जो बीजेपी की दो तीनों सीटें हैं, जिसपे इस समय बीजेपी का विधायक है, आबू पिंडवाड़ा सीट पे समाराम ग्रासिया है और रेवदर आबू रोड सीट पे जक्सीराम कोहली हैं, ये दोनों बड़े प्रबल दावेदार हैं। और जो इनकी छवि है ये बिल्कुल आम लोगों के साथ मिलती जुलती है, आम लोग अपना इनको समझते हैं, भले काम हुआ ना हो लेकिन वो इमोशनल कार्ड और जो है कि उम्मीदों की राजनीति करते हैं और उस राजनीति में लोग सफल भी होते हैं। तो ये लोग अभी भी उसी भरोसे इस पे कायम है कि अभी भी जनता हमारा साथ देगी। लेकिन अगर विकास की बात करें तो विकास बहुत कुछ नहीं हुआ है जो इतनी उम्मीद थी, क्योंकि दोनों जगह ये लोग काफी लंबे समय से दो दो तीन तीन बार से विधायक हैं यहाँ पे। और जो सिरोही शिवगंज विधानसभा सीट की बात करें तो वहाँ पे स्थिति इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ओटाराम देवासी वहाँ के मंत्री हैं और मंत्री होने के बाद भी तमाम वहाँ पे समस्याएं ऐसी थी। लेकिन जो जातिगत समीकरण है वो समीकरण निश्चित तौर पे ओटाराम के साथ रहता है, क्योंकि जो यहाँ का मेघवाल समाज है, रेवारी समाज है, वो हमेशा उनके पक्ष में वोटिंग करता है। अब देखना यह है कि जो वहाँ से कांग्रेस के संयम लोढ़ा हैं उनको टिकट मिलता है तो उनके खिलाफ कौन खड़ा होता है, या वो ओटाराम देवासी खड़ा होते हैं या जो यहाँ के जिला प्रमुख हैं वो खड़ा होती हैं, क्योंकि इन दोनों लोगों में सीटों को लेकर के रस्साकसी है
और जिस तरीके से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ सिरोही दौरे पर आई थी और जिस तरीके से उन्होंने पायल परशुराम पुरिया जो जिला प्रमुख है उनको लेके एक विश्वास जताया था, ऐसा महसूस होता है कि शायद टिकट इस बार उनको मिल सकता है। अगर टिकट उनको मिलेगा तो अगर उसमें ओटाराम देवासी का अगर सहयोग नहीं रहेगा तो ये सीट थोड़ी मुश्किल हो सकती है बीजेपी के लिए। बिल्कुल कोमल यादव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। नरेंद्र जी के पास चलेंगे। नरेंद्र जी, सिरोही, पिंडवाड़ा, आबू और रेवदर, सिरोही में खुद मंत्री वहां से विधायक हैं और अभी आपने सुना कोमल क्या बता रहे थे, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। पिंडवाड़ा की अगर बात करें, बीएसपी यहां पर गेम बिगाड़ सकती है क्या? पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर स्थिति बड़ी है, विकास के कार्य कुछ नहीं हुए हैं और यहां पर पिंडवाड़ा के अंदर पिछली बार जो था वो कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था, इस बार बीजेपी जीती 2008 के चुनाव की बात बता रहा हूं आपको और इस बार भी दिया है। लेकिन अनुप जी मैं बताऊं आपको, स्थिति यहां भी वही आ रही है जैसे पहले हम सवाई माधोपुर की बात कर रहे थे, वैसे ही सिरोही की स्थिति आ रही है कि विकास कोई चीज नहीं हुई। पिंडवाड़ा के अंदर लोग आदिवासी एरिया है, पिंडवाड़ा आदिवासी एरिया है, भी लोग ज्यादा है वहां पर, तो वो ज्यादा कांग्रेस जानती भी नहीं है ना उनकी रुचि है। लेकिन हाँ, ये सीट जो है वो वैसे परंपरागत कांग्रेस की सीट रही है लेकिन पिछली बार यहाँ पर बीजेपी को मोदी लहर के कारण जीत मिल गई थी। और जहां तक इस बार सवाल है तो इस बार स्थितियां पूरी तरह भिन्न है पिंडवाड़ा के अंदर, वहां पर गुटबाजी बहुत ज्यादा हो गई है और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। ठीक है दीपक जी, ओटाराम देवासी का क्षेत्र है लेकिन वहां पर भी विकास नहीं हुआ है, आप मंत्री हैं वहां से और वहां पर आप विकास नहीं कर पाए, इससे ज्यादा और बड़ी बात क्या होगी? देखिए अनुप जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये बात सिर्फ देवारम ओटासी की नहीं है, ये करीब करीब राजस्थान के जो दूसरे विधायक हैं उनके साथ भी लागू होती है, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी इच्छा शक्ति कहां गई, क्या उनके व्यक्तिगत काम नहीं हुए इसलिए वो आम जनता के काम नहीं कर पा रहे हैं या आम जनता के काम उनसे हो नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत जरूर सामने आ रही है। क्योंकि अभी लगातार हम पिछले कुछ दिनों से लगातार जो मतों का मंथन कर रहे हैं उसमें यही बात आ रही है कि इनके पास बजट होता है, चाहे राज्य सरकार का बजट हो चाहे केंद्र से जो बजट मिलता है सड़कों के लिए या दूसरे कार्यों के लिए, वो भी बजट आया है, बावजूद इसके ये काम नहीं करवा पाए हैं। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो इस बार है वो भारतीय जनता पार्टी को इस मुश्किल के दौर से गुजरना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये नुकसान हो सकता है। अगर हम बात करें पिंडवाड़ा की तो पिंडवाड़ा में आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्र में मैं अनूप जी आपको एक और दिलचस्प जानकारी यहां देना चाहूंगा कि वहां के जो आदिवासी हैं अगर बरसात के दिनों में बरसात नहीं होती है तो वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी वो पिटाई कर देते हैं कि इनके कारण से यहां बरसात नहीं हो रही। तो इस तरह की सोच के जो वहां लोग हैं, अब आप देखिए वो वोट किसको देंगे, उनको उनका ये मानना है कि अगर आप सीमेंट की छत डाल रहे हैं, अगर आप कोई बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं तो उससे बरसात रुकती है तो वो एक तो काम नहीं होने देते। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो वहां के आदिवासी क्षेत्र में पिंडवाड़ा में देखी जाती हैं आज भी। ठीक है, रेवदर का थोड़ा सा आंकड़ा दे देता हूं, सरकार वहां पर विकास करना भी चाहे तो वहां के लोग विरोध कर देते हैं। रेवदर की बात करेंगे, एक ये आंकड़ा देख लेते हैं थोड़ा सा। सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीट में से एक है रेवदर, ये इलाका आबू रोड शहर औद्योगिक विकास की दृष्टि के काफी विकसित है और रेवदर पूरे जिले में कृषि के लिहाज से अव्वल है, यहां से बीजेपी के जगसी राम कोली विधायक हैं। मुद्दों की बात करें तो शिक्षा चिकित्सा की बदहाल व्यवस्था के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज, सिंचाई और नर्मदा के पानी को रेवदर लाना अहम मुद्दा है। कांग्रेस की ओर से नीरज डांगी, लखमाराम कोली, अनिता बाकोलिया, मोतीराम कोली टिकट की दौड़ में शामिल हैं, जबकि बीजेपी की ओर से जगसीराम कोली, रणजीत कोली, मगनलाल कोली और प्रकाश मेघवाल के नाम आगे चल रहे हैं। साल 2008 की बात करते हैं, रेवदर विधानसभा से बीजेपी के जगसी राम जीते और इन्हें मिले 47,402 वोट परसेंटेज रहा 41.88 का। वहीं कांग्रेस के नीरज डांगी हारे जिन्हें मिले 44,164 वोट, इनका वोट परसेंटेज रहा 39.02 का। साल 2013 की बात करें तो यहां से बीजेपी के जगसी राम जीते जिन्हें मिले 78,818 वोट और वोट प्रतिशत रहा 51.46 का। इन्होंने कांग्रेस के लखमाराम कोली को हराया जिन्हें मिले 46,574 वोट और इनका वोट परसेंटेज रहा
30.41 का। लोकसभा 2014 की बात कर लेते हैं, यहां बीजेपी को जीत मिली और उसे मिले 70,749 वोट और उसका वोट परसेंटेज रहा 51.10। वहीं कांग्रेस को मिले 41,664 वोट और वोट प्रतिशत रहा 30.09 का। अभय जी के पास चलेंगे। अभय जी, आखिर में इन तीनों सीटों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। जी देखिए, अगर इन तीनों सीटों की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि इसमें जब बीजेपी 2008 में एंटी इनकम्बेंसी को डिफेंड कर रही थी, वसुंधरा जी के शासनकाल का 5 साल हो गया था और वसुंधरा जी चुनाव हार गई, इवन की बीजेपी हार गई, उनको 97 सीट्स लगभग कांग्रेस को मिले थे, इनको 78 सीट मिले थे, उस समय भी भाजपा इन सीटों को जीती थी। मतलब कि बीजेपी को अपने वेव में, जबकि 2003 और 2013 तो उनका वेव था कि चलो भैया एंटी इनकम्बेंसी में इस बार हमारी बारी है, लेकिन यह सीट उन्होंने 2008 में भी तब जीता जबकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को डिफेंड कर रहे थे, उनके ओवरऑल कहा जाए उनके खिलाफ एक जनमानस का थोड़ा सा रोष था, सर 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी था। तो इस बार बीजेपी नो डाउट इन सीटों पर अपना एक मतलब बीजेपी के यह सीट बीजेपी के उन लिस्ट में होगी कि यहाँ हम लोग प्रयास करेंगे तो चुनाव जीतेंगे। तो यहाँ पर मतलब बीजेपी को देखिएगा, यहाँ स्पेशल मैकेनिज्म जैसे कि अच्छे अच्छे कैंपेनर्स लाएंगे, कोई हो सकता है कैंडिडेट को भी चूंकि बदलने की संभावना तो मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन फीडबैक के आधार पर अपना एक लोग कुछ अच्छा अपना एक करेंगे। बीजेपी जरूर है कहेगी कि यहाँ पर कैंडिडेट का अगर पकड़ है तो हमारी पार्टी का ही पकड़ है जी। तो बीजेपी बिल्कुल तो, अभय जी समय अच्छा, एक की बात कमी है। एक बात अगर मुझे बोलने का मौका दे, जल्दी से बोले। नहीं देखिए, जैसे कि मैं बताऊं कि एक देखिए जनता के लिए भी एक प्रकार का होता है कि जनता को भी अपने विधायकों पर फेथ करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आदमी काम कर रहा है तो उसको एक दोबारा भी जीतने का मौका दीजिए, नहीं तो अगर इस बार हम इसको जिताएं अगले बार उसको जिता दे तो फिर नेता भी थोड़ा सा होते हैं कि भैया नेता भी थोड़ा सा ठीक बात कर रहे हैं आप। अभय जी बहुत शुक्रिया, नरेंद्र जी बहुत शुक्रिया, दीपक जी आपका बहुत शुक्रिया, तमाम बातें करने के लिए, तफसील से चर्चा करने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे राजस्थान का मतों का मंथन और फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए समय के साथ।